चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। इलास्टेशन सीक्वेंस के हिसाब से टेन है, जिसमें कंसेप्ट क्या है वो क्लियर कर दो। जब ड्यू डेट पे या ड्यू डेट से पहले हमारा जो बिल्स रिसीवेबल का पर्सन, मतलब हम ऐसे प्रॉपर बोले तो एक्सेप्टर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो हमारी बुक्स में जो ड्रॉअर है उसकी बुक्स में क्या एंट्री आएगी वो आपको समझना है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है बच्चा, पहले तो हम ड्रॉ करेंगे बिल, उसके बाद मैंने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला हुआ है, जब आपको ड्रॉ करने के बाद एक्सेप्ट ड्यू हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद हमें जब पता चलेगा कि ये इंसॉल्वेंट हो गया है तो हमें क्या ध्यान रखना है बच्चा, तो हमें जो मेन पॉइंट ध्यान में रखना है वो हम नोटिंग चार्जेस में नहीं होता। क्योंकि बच्चे आप बहुत बाद में आप कमेंट में कुछ ना कुछ पूछेंगे, इसमें नोटिंग चार्जेस क्यों नहीं लिखे, हमने नोट क्यों नहीं करवाया, तो ये नोटिंग चार्जेस इसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी पता है कोर्ट ने बोल दिया है बच्चा कि ये फाइनल इंसॉल्वेंट हो गया है, तो अब फाइनली उससे कुछ भी नहीं मिलेगा, ध्यान में रहेगा बच्चा। चलो तो अब देखना शुरू करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में क्या दिया हुआ है। इलास्टेशन 10 ऑन 1/8/2016 साइड ड्रॉ अ बिल 4 month बिल 60,000 ऑन कपूर। आगे बोला हुआ है विच कपूर एक्सेप्ट एंड रिटर्न 29/2016 कपूर वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड ऑन 20/10/2016 ही रिसीवर पेड डिविडेंड ऑफ 60 paisa राइट द जनरल एंट्री इन बुक्स ऑफ शाहिद। शाहिद कौन है बच्चा, तो शाहिद जो है वो हमारा क्या है, ड्रॉअर है और कुछ नहीं, अभी कपूर की बात नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है, शाहिद जो है वो क्या है, वो हमारा शाहिद कौन है बच्चा, तो ड्रॉअर है। तो ड्रॉअर अब सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर की बुक में हमें लिखना है, सबसे पहले शाहिद ने बिल ड्रॉ किया कौन सी डेट पे, 1/8/2016, तो हमने ये लिख दिया। बिल्स रिसीवेबल पहले जब हम ड्रॉ करते हैं तो बिल्स रिसीवेबल बढ़ते हैं और क्या कम होता है, डेटर्स कम हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और डेटर्स जो है वो कपूर है, तो कपूर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 60 बिल एक्सेप्टेड एंड रिटर्न बाय द कपूर। अब मैच्योरिटी डेट कब है, तो मैच्योरिटी डेट है 1/8/2016, वो डेट पे बिल लिखा गया है, 4 महीने का है, तो 4 महीना होगा कब, तो ये होगा 1/12/2016, इसमें ग्रेस डेज ऐड कर दो तो 4/12/2016 से पहले ही हमें पता चल गया कि 28/9 जो है वो कपूर साहब जो है वो इंसॉल्वेंट हो गए, तो कपूर अब इंसॉल्वेंट हो गया, तो हम इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, हमारा क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल कम हो जाएगा और डेटर्स बढ़ जाएगा। डेट है 29/2016 हमारा क्या हो जाएगा, वो आप रिकॉर्ड करोगे एज अ, यहाँ पे वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो हमने क्या किया, बिल कैंसिल कर दिया, क्या कर दिया, बिल कैंसिल कर दिया और हमने क्या किया है, डेटर्स बढ़ा दिए, तो यहाँ पे लिया है, लिखा हुआ है बिल 60,000 कैंसिल ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ कपूर। अब फाइनली बारी आई कि कितने पैसे हमें मिलेंगे, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, उन्होंने बोला है 60 paisa मतलब 60% मिलेंगे, 60,000 का 60% तो 36,000, 24,000 हमारा बैड डेब्ट्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चा, 24,000 हमारा बैड डेब्ट्स हो जाएगा। तो सिंपल पैसे मिल रहे तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट, जितने पैसे नहीं मिले उतने बैड डेब्ट्स में क्या हो जाएगा, तो हमारा 24,000 बैड डेब्ट्स हो जाएगा, और किससे नहीं मिल रहे, कपूर से नहीं मिल रहे, तो हमारे डेटर्स उतने से कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट एंड कपूर अकाउंट क्रेडिट, ये हो गया 36, 24 and 60, तो ये हमारे यहाँ लिखा हुआ है 60,000 × 40% और ये हो जाएगा 24,000, ये हमारा बैड डेब्ट्स और 60% हमें मिल जाएंगे। इसके साथ बच्चा सम खत्म हुआ, लेकिन आगे अब जो हम सम एक्सरसाइज के सम्स करेंगे इसके अंदर एक एक पॉइंट बहुत डिटेल में प्रॉपर करेंगे। आपसे एक्सपेक्टेशन है कि ये लिख लो, क्योंकि पीछे सीधा अलग लेवल का सम है, तो वो आप ध्यान से समझ के करना। मिलते बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।